मैच रिपोर्ट सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करते हैं। और मैच रिपोर्ट देखिए, कल यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले यहाँ पर बल्लेबाजी का फैसला किया और सोचा कि अपने घर पर लगातार अच्छी तरह से प्रदर्शन करके रन बनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमारे भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 150 रन के अंदर, सिर्फ 150 रन के स्कोर पर यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम को ऑल आउट कर दिया। अगर बात करूं वेस्ट इंडीज की तरफ से किस किस ने रन बनाए, कितने रन बनाए, तेजी से आपको बता दो। सबसे पहले क्रेग ब्रेथवेट ने यहाँ पर 46 गेंदों में 20 रन बनाए, टी चंद्र पॉल ने यहाँ पर 12 रन बनाकर आउट हुए, रोमन रेफर की अगर मैं बात करूँ 2 रन बनाकर आउट हो गए, ब्लैकवुड 14 रन, एलेक एथेंजे की अगर बात करूँ तो 47 रन, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए, जोशुआ डिसिल्वा 2 रन बनाकर आउट हो गए, जेसन एंड होल्डर की अगर मैं बात करूँ 18 रन, अल्जारी जोसफ 4 रन, और बात की जाए रखीम कॉर्नवल की 19 रन उन्होंने बनाए, किमार रोच और वेरिकन 1-1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो उसमें पूरी तरह से दबदबा रहा रविचंद्रन अश्विन का, 5 विकेट उन्होंने लिए, यहाँ पर पंजा खोला अपना और यहाँ पे उनके साथ दिया रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 3 विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट और सिराज ने 1 विकेट। जवाब में जब यहाँ पर नई भारतीय ओपनिंग जोड़ी उतरती है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की, तो शानदार वो प्रदर्शन करते हैं और 80 रन बिना किसी विकेट के यहाँ पर 23 ओवरों में बना लेते हैं, जिसमें यशस्वी 73 गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे, और अगर रोहित शर्मा की मैं बात करूं तो 65 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे। ये 90 ओवर के खेल में कल जो सब कुछ हुआ वो हमने आपको बताया।